चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है तो सेम लाइक क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। जैसे वहां क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फाई इक्वल टू क्या था, ई इंटू ए या ई इंटू एस। दूसरा फॉर्मूला कहता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। इन द सेम वे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, यहाँ पे है फाई बी इक्वल टू, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट एस। व्हाट इज एस, एस इज सरफेस एरिया, और यू कैन से बी एस कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा कहीं लिखते हैं, ए फॉर एरिया, यहाँ एस फॉर सरफेस एरिया, बात दोनों सेम होती, ठीक है ना। चलिए, और बताया था आपको कि यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो क्या होता है, एक होता है वेबर, एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन वन वेबर और भी डिफाइन, ठीक है ना। और एक होता है इसका सीजीएस यूनिट, जिसे बोलते हैं मैक्सिबल, ये भी नोट करिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या दे दिया जाता है कि उसकी यूनिट दे दी जाएगी मैक्सिबल में, या मैक्सिमम में आपको कन्वर्ट करना है, दे दिया सीजीएस में तो उसको कन्वर्ट करना है क्या उसमें एमकेएस में, अगर फॉर्मूला आपको याद है कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है दिक्कत होती, ठीक है ना। पहले डिफाइन करते हैं इसको, मैक्सिबल को साथ साथ वेबर को, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हमने पिछले वीडियो में आपको या पिछले क्लास में आपको ये डिफाइन किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल ऑफ यू नोन फ्रॉम 10th से आप लोग पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। हम आगे यहाँ हमको उसके आगे पढ़ना है कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर फैराडे लॉ है क्या है, ये भी आप लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक। फैराडे लॉ को आगे बढ़ाना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फिर उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए इसमें पहले देख लेते हैं एक बार और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको, तब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट शब्द रहेगा यूनिट ऑफ, क्या हो गया आपका यूनिट ऑफ, क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार छोड़ दीजिए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होगी, इसका सिंबल क्या है, दिस इज द सिंबल जो हो गया फाई बी, सिंबल हो गया, ठीक है। अब लेते हैं क्या यूनिट, कहते हैं यूनिट, यूनिट दो होगा, एक क्या कहते हैं एमकेएस सिस्टम, फर्स्ट यूनिट क्या होगी हमारी, फर्स्ट यूनिट हो जाएगी इन एमकेएस सिस्टम, दूसरा क्या होता है इन सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है वेबर, क्या होगा वेबर, और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म होते हैं डब्ल्यू बी, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, होता है मैक्सिबल, क्या हो गया मैक्सिबल, शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं एम एक्स, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे इसे, इसे लिखते हैं एम एक्स या मैक्सिबल हो गया मैक्सिबल, ठीक है ना। अब यहाँ डिफाइन करने का था, डिफाइन वन वेबर, डिफाइन वन मैक्सिबल, ये जरूरी है, ठीक है। फिर या इनमें क्या रिलेशंस है, इस बार ध्यान देना है, ठीक है ना, इसमें क्या रिलेशंस है आपको ये चीज ध्यान देना है, क्लियर, ठीक है। चलिए पहले क्या नंबर वन लेते हैं, पहला लेते हैं कि हाउ डिफाइन, डिफिनेशन ऑफ, पहले लेते हैं डिफिनेशन ऑफ वन वेबर, ठीक है ना, डिफिनेशन ऑफ वन वेबर, एज वी नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ फॉर्मूला बनता है कि ए बी नो द एट, क्या हो जाएगा फाई बी इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस बी एस कॉस थीटा ना, बी एस एस फॉर क्या होती है, व्हाट इज एस, एस फॉर सरफेस एरिया, ध्यान रखिए क्योंकि हमने यहाँ पर सब में एस कंसीडर किया है, तो आप इसी लेंगे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक बी ए कॉस थीटा, ठीक है। एस क्या हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, जिसमें अब यहाँ क्या हो जाएगा, जिसमें फाई बी इक्वल टू हो जाएगा, कहते हैं यूनिट में बी क्या होता है वन टेस्ला हो जाएगा, वन टेस्ला, ए क्या हो गया वन मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, जिसमें क्या हो गया यहाँ ये कितना हो जाएगा, यही आपको हो जाएगा वन वेबर, ठीक है, जिसमें थोड़ा डिसमिस वन वेबर इक्वल टू वन टेस्ला इंटू कितना हो गया वन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कि व्हेन
यूनिट मैग द अमाउंट ऑफ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एट द सरफेस एट द क्या हो गया एट द सरफेस इज 1 मीटर स्क्वायर। तो उस 1 मीटर स्क्वायर सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल देंगे हम 1 वेबर। डिफाइन करिए भाई इसको, लिखिए इसको, यहाँ क्या हो गया दस 1 वेबर इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म एंड यूनिट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नॉर्मली एट 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। इसमें क्या हो गया, अगर कोई सरफेस एरिया कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर हो, जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर की ऑर्बिट उसकी है, तो उससे अगर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज 1 वेबर। ओके सेकंड लिखिए, दूसरा सेकंड से मिटा रहे भाई, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है 1 मैक्सिमल। दूसरा क्या डेफिनेशन आप क्या आएंगे, सेकंड हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 मैक्सिमल। मैक्सिमल व्हाट इज मैक्सिमल, इसे लिखेंगे 1 mm शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या हो गया, ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा भाई, देखिए यहाँ कैसे होगा, पहले मिटाएं इसको, देखिए फिर डिफाइन करते हैं इसको, इसको डिफाइन करिए उसके बाद फिर, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए 1 मैक्सिमल कितना हो गया, 1 मैक्सिमल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मैक्सिमल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1 टेस्ला था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 गॉस, 1 गॉस हो जाएगा, इंटू कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सीजीएस है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 1, जिसमें क्या हो गया इक्वल टू हो गया, इक्वल हो गया 1 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा 1 मैक्सिमल। देखो क्या हो गया आपका, आ गया 1 मैक्सिमल इक्वल टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जस्ट वी हैव लर्न अबाउट 1 गॉस, 1 गॉस को अगर कन्वर्ट करते हैं यार किसमें, यहाँ हमें कन्वर्ट करना है इसको, जिसे हमारा क्या है जो हमारा एम्पियर सिस्टम है उसको लाना सीजीएस में, फिर वैल्यू हमारी होगी थी, वैल्यू होगी आपकी 1 मैक्सिमल इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1 गॉस, ठीक है ना, इंटू कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नाउ अब क्या लेते हैं, अब लीजिए 1 वेबर कितना हो जाएगा भाई, 1 वेबर कितना हो गया, 1 वेबर होता है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 1 टेस्ला इंटू कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करिए, ये कितना है गॉस कितना आ जाएगा, देखिए 1 टेस्ला पढ़ चुके हो ना, कितना होता है 10 पावर 4 गॉस ना, 10 पावर 4 गॉस बता चुके हैं इसको, इंटू 1 मीटर को जो सेंटीमीटर कितना आएगा 10 पावर 4 सेंटीमीटर आएगा, जिसमें कितना हो गया 10 पावर 8 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात कितना हो गया, जिसमें हो गया आपका 1 वेबर इक्वल टू 10 पावर 8, क्या हो गया मैक्सिमल, ई ध्यान रखना भाई है बहुत छोटी चीज लेकिन फिर भी क्या है बड़ी चीज, वो छोटी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे, अब यहाँ 1 मैक्सिमल को डिफाइन करेंगे, जब डिफाइन करते ऊपर डिफाइन करते हैं भाई, ऊपर यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है समझ में आ गया। आगे देखिए डेफिनेशन हो गया, यहाँ हो गया डेफिनेशन आप आ जाएगा 1 मैक्सिमल, नीचे लिखिए आप लोग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा रिलेशन हो गया, इस तरह से यहाँ डिफाइन कर लीजिए कि दस 1 मैक्सिमल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैक्सिमल एंड वेबर बोथ आर मैग्नेटिक फ्लक्स है, ध्यान रखो, ठीक है ना, दैट्स व्हाई 1 मैक्सिमल इज डिफाइंड एज, क्या है 1 मैक्सिमल इज डिफाइंड एज, यार सिंपल जो डिफाइन दिया सिंपल हो गया, 1 मैक्सिमल इज क्या हो गया इज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस या 1 गॉस, ठीक है, एक्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज, इज नोन एज क्या हो जाएगा हमारा, इज नोन एज 1 मैक्सिमल। ओके आई होप इसमें क्लियर, अभी आसान है।
हो जाएगा ना, तो हमारी भी डिफिनेशन होगी। चलिए, तो चूंकि हमारा मेन पर्पज क्या है, जैसे आपको फार्मूला याद रहे, ठीक है, डिटेल में अगर जान गए तो यहाँ से फार्मूला निकाल लें, कोई समस्या नहीं। कहीं पर भी अगर कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन जब बोर्ड में भी या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रयास करते हैं कि आपको यूनिट का कितना क्लियर नॉलेज है, इसलिए इसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पढ़ देते हैं फैराडे लॉ, ठीक है, क्या फैराडे लॉ क्या है। उसके बाद फैराडे लॉ जाने के पहले हम लोग पढ़ते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट, तब क्या फैराडे लॉ आएगा, देन क्या उसका होगा, देन आएगा उसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो क्या आएगा मैथमेटिकल फॉर्म, ओके। चलिए, तो फैराडे लॉ क्या है समझिए भाई, थोड़ा शॉर्ट में जानिए इसको, ठीक। लॉ हम क्या होता है, व्हाट इज फैराडे एक्सपेरिमेंट, पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फैराडे, क्या हो गया फैराडे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखो भाई ध्यान समझिए, इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सो जानिए के बारे में क्या क्या है इन्होंने एक्सपेरिमेंट, हमने आपको पहले बताया था इनकी सोच क्या, थिंकिंग क्या है, ठीक है भाई। तो हम थिंक करेंगे तो कुछ सोच पाएंगे ना, हमारी क्या नेसेसिटी है, तो ठीक है जो घटनाएं घट रही हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, नेचुरल थिंकिंग है, या नेचुरल क्या है, जो नेचर में हो रहा है, हम उसके बारे में कितना रिसर्च करते हैं, कितना सोचते हैं, और सोचने से ठीक है नई नई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। कभी लगता क्या है कि सारी चीज़ें खोज दी गई, अब हम क्या खोजें, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें खोजने बाकी हैं, ठीक है, बस हमारा दिमाग कितना काम करता है इस पर डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं कि फैराडे एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इनकी थिंकिंग क्या थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पहले बता चुके हैं आपको कि अकॉर्डिंग टू बायर्ड सेबर्ट लॉ और अकॉर्डिंग टू ऑस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने ऑस्टर ने उसकी शुरुआत किया। कोई व्यक्ति शुरुआत कर दे तो लोग फिर क्या उसे जुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज निकल जाता है, कोई दिक्कत क्या है, स्टार्टिंग तो हो जाए। जैसे देखिए, हम देखते हैं मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एग्जाम में कोई डेरिवेशन आ गया, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस डेरिवेशन, ठीक है, हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, लिखना कहाँ चालू करें, अगर लिखना आ गया फिर क्या, पूरा डेरिवेशन याद आता है या अटे रहते, जैसा भी ये हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग ही समस्या होती है। चलिए, तो इनकी सोच क्या थी, जब फैराडे लॉ की सोच थी, अगर मान ली गया है ऑस्टर एक्सपेरिमेंट या बायर्ड सेबर्ट लॉ कि वैन या और कैसे कि इफ अ करंट करेंट कंडक्टर, ठीक है, अगर मान ली कोई वायर है, कंडक्टर है, उसमें करंट हो रही है, तो ड्यू टू दिस करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड दिस वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट होना चाहिए, ठीक है, इनकी थिंकिंग थी। फिर क्या किया, इसके लिए प्रैक्टिकल चालू किया, भाई इनका प्रैक्टिकल ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप पढ़ चुके होंगे कि एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए कितने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना, और जब उनके एक्सपेरिमेंट क्या असफल होते थे, ठीक है, तो उनके मित्र वर्ग उनको हंसते थे, क्यों परेशान, लेकिन देखिए उनकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी, नहीं ठीक है, मैं बना रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, जो मेरी गलतियाँ हो रही हैं, तो जो व्यक्ति नया व्यक्ति इस पे काम करेगा, कम से कम इन सारी चीज़ों को पढ़ेगा, इस पे काम नहीं करेगा, वो नया सोचेगा, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनको पहली थिंकिंग क्या जनरेट हुई कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिया इसके लिए इन्होंने ले लिया मैग्नेट, ठीक है, एक ले लिया क्वायल ले लिया, उसमें क्या लगा दिया गैल्वेनोमीटर, अगर करंट फ्लो होगी तो क्या हो गया, सर्टेनली गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन होगा। क्यों, अगर आपका सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है तो उसमें माइक्रोमीटर करंट फ्लो होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अप टू रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, देन दिस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, क्या हो गया, वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा 100%, ठीक है। चलिए भाई, स्ट्रिंग का प्रयोग क्या है, एंटायर एक्सपेरिमेंट सिंपल था, एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। क्या करते थे, देखिए हम लोग जब अपने फ्री टाइम में सोते हैं आराम से, तो एक जो आदमी महान बनता है, क्या अपने टाइम का एक एक सेकेंड, ठीक है, यूज करता है, ठीक है, सोने के टाइम उसका 5 घंटे है, तो 5 घंटे 1 मिनट ज्यादा नहीं सोएगा, बाकी काम यूज करेगा, अपने काम यूज करेगा, जो अपना मेन उसका टारगेट है। हम लोग क्या करते हैं, 5 घंटे सोने के बाद कम से कम 5 घंटे ऐसे ऐसे इधर बिता देते हैं, ये अंतर होता है हमें और उनमें, ठीक है ना, कि हर आदमी क्या है, सबके पास 24 आवर्स है ना। चलिए भाई, तो क्या क्या किया, जो उनका टाइम फ्री बचता था
उस टाइम में क्या करते थे, उससे अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, क्या लिया, क्वाइल लिया। अब क्वाइल जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्वाइल है जो भी इस पास एक क्वाइल बना लिया, इस पास क्वाइल लिया, उनकी क्वाइल कोएक्सियल थी, ये तो कोसेंट्रिक हो गई ना, ठीक है। अगर कोएक्सियल क्वाइल हो गई तो क्या देखो इसका क्या ले लिया, ये क्वाइल ले लिया, मान लो ये क्वाइल हो गई, ठीक है, ये क्वाइल हो गई इस पास से, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जोड़ दिया ना, या देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का कोई सोर्स नहीं है, बोले गैल्वेनोमीटर है एंड क्वाइल है, यहाँ के ले लिया मैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया मैग्नेट ले लिया। अब देखिए अब मैंने कभी क्या इसके अंदर नीचे ऊपर बाएं दाएं बार बार ले जा रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक प्रयोग उन्होंने एक नहीं कम से कम सालों किया, काफी दिन किया प्रयोग, जब भी फ्री बैठते शुरू हो जाते, अंत में लास्ट में जब नहीं इसमें डिफ्लेक्शन हुआ फिर डिसअपॉइंट हो गए, लगता मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या इनका सोचना था, मेरी थिंकिंग गलत नहीं हो सकती है, और हो सकता है हमसे प्रयोग ये एक्सपेरिमेंट हो नहीं रहा है। अंत में होता कि जहां पर ये अपने एक्सपेरिमेंट को एंड करना चाहा वहीं से क्या इसकी स्टार्टिंग हो गई, कैसे, इनको हल्का क्या इरिटेशन हुआ, गुस्सा आ गया, और गुस्से में क्या किया उन्होंने, अपने उस मैग्नेट की मेरी बस की बात नहीं है, उस मैग्नेट को उठा के फेंक दिया उसी पे, ठीक क्वाइल पे जाओ टूट जाए। लेकिन जैसे ही मैंने फेंका क्वाइल पर तुरंत क्या देखा, तुरंत जो है जो हमारा है गैल्वेनोमीटर है तुरंत डिफ्लेक्शन आ गया। अगर तुरंत डिफ्लेक्शन आ गया तब चौंके, अरे ये क्या होगा, अगर डिफ्लेक्शन इसमें आया करंट फ्लो हुई, ठीक है, क्या लगा हमको, लगा भाई क्या डर गया क्या हमसे, हम गुस्से हो गए ना, लेकिन फिर क्या दोबारा उठाया फिर फेंका फिर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तब सोचा ऐसा क्या हो सकता है, तब इनको इंटरेस्ट आ गया कि करंट पक्का है ना 100% करंट फ्लो हुई इसमें, फिर क्या किया क्वाइल लिया, फिर देख रहे हैं ला रहे मैग्नेट को आराम से कोई नहीं, लेकिन मैग्नेट को बहुत तेज लाए डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब इनको समझ में आया इसमें क्या है मैग्नेट को तुमको तेज लाना चाहिए, ठीक है। तेज लाने से क्या हो रहा भाई, शुरू में लाए तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स तो भी चेंज हो रहा है, लेकिन तीन लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ज्यादा चेंज हो रहा है, मुझे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है एक्सपेरिमेंट, फिर मैंने पोल क्या चेंज किया, पोल चेंज करने क्या देख रहे हैं फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या अपोजिट हो रहा है, इसको स्टार्ट रोक दिया मैग्नेट को, अब क्वाइल लाइया पास, क्वाइल पास ला रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक। फिर क्या दोनों पास दूर ले जा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों साथ ले जा रहे हैं देन नो डिफ्लेक्शन, अगर दोनों साथ ले जा रहे हैं तब क्या हो गया नो डिफ्लेक्शन, इसमें क्या हुआ तब इनको समझ में आया, जब क्या जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, मीन दिस क्वाइल एंड मैग्नेट हैव रिलेटिव मोशन, अगर इसमें रिलेटिव मोशन होगा इन दैट केस मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्वाइल, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा और तब उससे क्या होगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट फ्लो होती है, जिनका एक पूरा एक्सपेरिमेंट रहा है, हम इसी को लिखते हैं, इसी को समझते हैं, ठीक है ना, ओके, पहले फिगर बनाते हैं फिर लिखते हैं इसको, चलिए बनाए फिगर सकते हैं, चलिए फिगर बनाइए फिर से, देखो पहली कंडीशन हो गई, यहां ले लिए मैग्नेट,
बनाई गई बन गया फिर जाए मेन ध्यान देना डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तय कैसे करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ इसमें करंट है एंटी क्लॉक वाइज हो गई है, यहाँ क्या हो जाएगा कि नॉर्थ बनेगा, यहाँ क्लॉक वाइज हो गई तो साउथ बनेगा, यहाँ क्या हो गया फिर साउथ बनेगा, ये क्या हो गया नॉर्थ बनेगा, ठीक है। अब एक काम चाहे जैसे करवाएंगे, हमारा मैग्नेटिक प्लस चेंज होना है, चाहे दो कॉइल रखी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई इसमें क्या है, हमारी कॉइल हो गई मैग्नेट हो गया, ठीक है, इसमें इसकी डिफरेंट पोजीशन दिखाई जा रही है, ठीक है। हमें ध्यान दीजिए पहले में क्या है, मैग्नेट हमारा क्या है कॉइल के पास जा रहा है, इसका नॉर्थ पोल के पास जा रहा है, सेकंड में दूर आ रहा है, फिर क्या रहा है इसमें क्या है साउथ पोल पास जा रहा है, इसमें साउथ पोल क्या है दूर ले जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ ऐसा क्या है दिखाया गया, पहली बात क्या है हमने क्या होता है व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर मूविंग विद रिलेटिव मोशन, मीन्स दोनों के मोशन में डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस है इन दैट केस व्हाट हैपन देन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्यों जैसे देखो जैसे इसके पास जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी ज्यादा पास होगी, दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इसका निकलेगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, जैसे जैसे पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका निकल रही है, ऐसे जाएगी ये जा रही है जा रही है जा रही है जा रही, जैसे पास ले जाएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास फ्रॉम द दिस कॉइल, दैट्स व्हाई ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ जनरेट इन द कॉइल, ठीक है ना। पहला क्या है इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट का जो पहला रिजल्ट आया क्या देखा कि जब मैग्नेट एंड मैट क्या एंड दिस कॉइल बोथ हैव रिलेटिव मोशन देन ओनली ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट जनरेट इन द कॉइल, ठीक है, तभी इसमें करंट जनरेट होती है, तभी यहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है क्या जिसे गैल्वेनोमीटर ये गैल्वेनोमीटर तभी रिफ्लेक्शन करता है। अगर दोनों क्या है अगर दोनों स्टैटिक रहे कुछ नहीं होना है, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो भी कुछ नहीं होना है, इसमें क्या हो गया हॉट शुड भी यहाँ क्या होना चाहिए वो शुड भी रिलेटिव मोशन। और क्या बताइए पता लगा, जब तक दोनों के बीच क्या है जब तक दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तब तक क्या है इसमें करंट फ्लो हो रही है, और जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद कर देते हैं
यहाँ पे करंट भी तुरंत ही स्टॉप हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए फिर क्या देखिए, अब देखा है इसमें कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो करंट डायरेक्शन क्या है, जब इसके पास नॉर्थ पोल जा रहा है डायरेक्शन कुछ और है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है डायरेक्शन तुरंत चेंज हो गई, साउथ पोल जा रहा है डायरेक्शन कुछ और है, साउथ पोल दूर जा रहा है डायरेक्शन कुछ और है। दिस मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और एक खास बात कैसे पता करेंगे, तो दिखाया गया कि जब इसके पास नॉर्थ जा रहा है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज लूप में, अर्थात यहाँ क्या बना नॉर्थ। ठीक है, ऐसी करंट हो रही है। जब दूर जा रहा है देखो दी जाता है एक्सपेरिमेंट ना, दी जाता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ठीक है, नॉर्थ दूर जा रहा है तुरंत क्या देखा गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट के इसमें रिवर्स हो गई, अर्थात यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो गया क्लॉक वाइज, यहाँ बन गया साउथ पोल। ऐसे यहाँ पर साउथ पास जा रहा है क्या बन जा रहा है पे साउथ पोल, और अगर दूर जा रहा है क्या बन जाएगा तो यहाँ बन जाएगा ये नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ, आया समझ उतना। अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्शन हो गया, तीसरी बात क्या हो गया फिर तीसरा, ठीक है थर्ड क्या हमारा हो गया, थर्ड देखा गया व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ करंट, मतलब ये ठीक है डिफरेंस हो रहा, डायरेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट मीन्स क्या, डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा कम होगा ये डिपेंड करता है इसके मोशन पर। देखा गया अगर बहुत तेज ले जा रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जा रहा है, अगर आराम से तो थोड़ा क्या धीमी स्पीड हो गई तो क्या हो गया करंट यहाँ कम हो जा रही है। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वो अगर ज्यादा चेंज तो क्या हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है अगर वो हाई होगा ज्यादा होगा इन दैट केस करंट फ्लो इन द कैलोमीटर मैक्सिमम, दिस मीन्स करंट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज पर। ठीक है, तीन फैक्टर हमारे हो गए। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर क्या है, ये तीन फैक्टर हमारे क्या हो गए इनके एक्सपेरिमेंटल के क्या हो गया रिजल्ट हो गए, और इन्हीं के बेस पर हमारा क्या बन जाएगा तो आ जाएगा फैराडेज लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने समझाया इसी को वन बाई वन लिख लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि रिजल्ट ऑफ क्या हो गया रिजल्ट ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो समझा दिया इसी को लिख देना है, नोट डाउन नोट करिए। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। पहला क्या है, व्हेनेवर द मैग्नेट एंड कॉइल हैव रिलेटिव मोशन देन इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट जनरेट इन द कॉइल। सेकंड थिंग, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन द पोल ऑफ मैग्नेट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, मतलब पास जाओ दूर जाओ उसको भी डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ करंट इन द कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अब बाद में देखो हम क्या मेन हमको है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना है, कैसे चेंज करें, जैसे भी चेंज हो ये तुम्हारा जरूर हो गया। अगर मान लीजिए क्या देखिए, अगर हमें एक कॉइल लग गया यहाँ पे दिस वे सोलेनाइड, ठीक है यहाँ क्या करा दिया वाले सेल लगा दिया, देखिए यहाँ क्या लगा दिया वेरिएबल सेल लगा दिया, अब क्या जोड़ दिया यहाँ से एक कॉइल बगल लग दो या दोनों को एक्सेल हो जाए तो भैया क्या है को एक्सेल हो जाए, यहाँ लगा दो कैलोमीटर, अब क्या होगा भाई अगर लगा दिया कैलोमीटर तो उस कंडीशन पर जब यहाँ पर वेरिएबल करंट फ्लो होगी हमारी ना जैसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जाए एंड दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासेस फ्रॉम दिस कॉइल। ठीक है, उससे भी क्या हो गया, उससे यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट जनरेट पड़ी भाई, दिस कॉल इंड्यूस, इंड्यूस मैंने क्या इसने इसको टच नहीं किया, मैग्नेट ने टच नहीं किया। कभी देखिए होता क्या हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कोई व्यक्ति मिलता है ऐसे आपको ऐसी बातें बोलेगा उसके इंड्यूस होकर नॉर्मल हो जाएंगे, हम बहुत नॉर्मल है, किसी आपको इतना पंच कर दिया अब एकदम इंड्यूस हो गए, ठीक है ना, एकदम अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसी कुछ बात बोल दिया, तो दिस में इंडक्शन विदाउट टचिंग ऐसा कुछ किया जाए जिससे क्या हो बोलते हैं प्रेरित हमको प्रेरणा मिले उससे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, दिस हो गया इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिर अगला क्या हमारा आएगा, अब आएगा फैराडेज लॉ। ठीक जाएगा फैराडेला जो वास्तव में हमारा ट्वेल्थ यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या जिसके मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज,
कई हमारे पॉइंट मिलेंगे, उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, चलिए थैंक।